स्टार्टिंग चैप्टर फोर लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियाँ, पेड़ों पे जो पत्तियाँ होती है उनको हम लीव्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। डिफरेंट टाइप्स की लीव्स जो हमारे आसपास होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। वाई आर लीव्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट, प्लांट्स के लिए लीफ क्यों इम्पॉर्टेंट है। व्हेन डू ट्रीज शेड देयर लीव्स, कब पेड़ों से पत्तियाँ झड़ती हैं। हाउ डू लीव्स चेंजेस टू मैन्योर इन अ कंपोस्ट पिक, कैसे डिफरेंट टाइप्स की लीव से डिफरेंट टाइप्स की खाद बनती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लीव्स, और भी क्या क्या पेड़ की पत्तियों के यूजेस हैं। हाउ आर डिफरेंट थिंग्स डेकोरेटेड विथ लीफ एंड मोटिफाइज, कैसे हम लीव्स से डिफरेंट टाइप के घर में अपने डेकोरेशन कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग लेसन। प्रिया एंड बानित वेयर मेकिंग लीफ इम्प्रेशंस इन देयर आर्ट बुक्स। प्रिया और बानित जो है वो पेड़ों की पत्तियों से अपनी आर्ट बुक में लीफ के इफ़ेक्ट्स बना रहे हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये सारा लीफ से पेंटिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। दे हैड कलेक्टेड लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, उन्होंने अलग अलग प्लांट्स से अलग अलग शेप साइज की लीव्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया है। द लीव्स वेयर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जो पत्तियाँ हैं वो अलग अलग शेप और साइज की हैं। देयर वेयर बिग लीव्स, स्मॉल लीव्स, राउंड लीव्स, ओवल लीव्स, लॉन्ग लीव्स एंड देन थिन लीव्स। उनके पास किस किस टाइप की लीव है, बड़ी पत्तियाँ, छोटी, राउंड, गोल है, कुछ ओवल शेप की है, कुछ लंबी है, कुछ छोटी है ना, अलग अलग टाइप की शेप और साइज की पत्तियाँ उनने कलेक्ट कर रखी है। वाओ, व्हाट अ वेराइटी ऑफ लीव्स वी हैव गॉट, सेड प्रिया। प्रिया ने क्या कहा, अरे वाह, हमें कितनी वेराइटी की लीव्स हमारे पास इकट्ठी हो गई है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर एंड स्मेल। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग साइज की, शेप्स की, कलर की लीव्स होती है और उनकी स्मेल भी अलग अलग होती है, सबकी डिफरेंट होती है। लुक एट द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप्स की लीव के आप पिक्चर देख ही रहे हो, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है। वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्लांट जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स लीव, हम किसी भी प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी लीफ को देखकर कि ये इस कैटेगरी का पेड़ है, ट्री है। जैसे कि पीपल ट्री का जो लीफ होती है वो इस टाइप की, इस तरह की शेप की होती है। ग्रेप वाइन की जो होती है, अंगूर की जो बेल होती है, उसकी लीफ जो है वो इस टाइप के शेप की होती है। नीम लीफ होती है, छोटी छोटी कोमल पत्तियाँ होती है उनकी। तुलसी की लीफ का शेप इस टाइप से होता है। ग्रास जो है, घास जो उगती है, उस वो भी तिनके की तरह ऐसी पतली पतली छोटी छोटी होती है। तो इनकी जो शेप है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्लांट की लीफ है। ओके, ऑब्जर्व द डिफरेंट साइज ऑफ द लीव्स, और भी डिफरेंट साइज की लीव्स देखो, यहाँ पे पिक्चर में दे रखी है। ये पाम लीव्स है, ये मिमोसो टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी ऐसी बारीक बारीक लीव्स होती है। एकेशिया की ऐसी लंबी लंबी छोटी छोटी लीव्स होती है। सम आर वेरी बिग लाइक द लीव्स ऑफ पाम्स एंड बनाना, बनाना ट्री की लीव्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत लंबी लंबी होती है। सम आर वेरी स्मॉल लाइक द लीव्स ऑफ एकेशिया मिमोसो ब्लैक ग्राम, जो है इनकी बहुत छोटी छोटी लीव होती है। और यहाँ पे कुछ आपको बता रखा है, डू यू नो, कि आपको इसके बारे में पता है क्या, कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीफ इज़ दैट ऑफ रेफिया पाम।
सबसे बड़ी लीफ वर्ल्ड की कौन सी है? पाम ट्री की, जिसको बोलते हैं रेफिया। इट कैन बी अप टू 25 मीटर लॉन्ग। वो कितनी लंबी होती है? 25 मीटर लॉन्ग होती है एंड 3 मीटर वाइड, और 3 मीटर वाइड होती है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लीफ, अब सबसे छोटी लीफ कौन सी होती है? इज दैट ऑफ डक वाइट। डक वाइट की लीफ सबसे छोटी होती है, डक वाइट जो प्लांट होता है उसकी। इट्स लेंथ कैन बी एज स्मॉल एज 2 mm। इसकी लेंथ जो होती है वो 2 mm होती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, कलेक्ट लीव्स ऑफ 10 डिफरेंट प्लांट्स। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? अलग अलग 10 डिफरेंट प्लांट्स से आपको लीव कलेक्ट करना है। मेक देयर कलर इम्प्रेशंस इन योर नोटबुक, और उसके पोस्टर कलर यूज करके, और आपके आपको उन डिफरेंट टाइप्स की लीव के इफ़ेक्ट जो है आपकी नोटबुक में उसको इम्प्रेशन देना है। यू मे डू दिस विथ क्रेयॉन्स और पोस्टर कलर। आप उसको क्रेयॉन से या पोस्टर कलर से भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद को करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स की लीव्स के बारे में मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उसको अच्छे से एक बार घर पे रीड कीजिएगा, उसको समझिएगा कि कौन से प्लांट की लीफ किस शेप की होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मीट यू इन द अनादर क्लास।